नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे मैं जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आज का विषय है कि इतना सुंदर धनिया जो मेरे यहाँ देखिए इतना सुंदर धनिया निकल रहा है, ये दो गमले में आप देख रहे हैं। और इस धनिया को मैंने इस तरीके से उगाया था कि बहुत जल्दी केवल 3-4 दिन में ये धनिया निकलकर बाहर आ जाता है। तो ये तरीका मेरे को जब व्हाट्सएप नंबर पर आया कि कैसे ये तरीका जानकारी मिलेगी कि 3 दिन में धनिया 4 दिन में 5 दिन में धनिया बाहर कैसे। मेरा तो धनिया लोग कमेंट करते हैं कि 25-25 दिन में मेरा धनिया बाहर नहीं आता। तो आज मैं आपको अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे शुरू से लेके अंत तक तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 3-4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ही आपका पूरा धनिया उगकर बाहर आ जाएगा। क्योंकि तरीका अलग होता है सबका बोने का तरीका। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे मिट्टी बनाएंगे जिसमें आपका धनिया 3-4 दिन में बाहर आ जाए। तो देखिए आपको लेना है गार्डन की सॉइल 50%। जैसे देखिए यहाँ पर ले रखा है, पहले से बना कर गमले को भर रखा है। देखिए इसको मैंने इसमें क्या क्या मैंने मिलाया मैं आपको जानकारी देता हूँ। अभी इसके अंदर मैंने मिलाई है 50% अपने गार्डन की मिट्टी, और ये पुरानी मिट्टी है, नई मिट्टी नहीं है, मेरी काफी पुरानी मिट्टी है। इसमें 50% आपको लेनी है मिट्टी। 50% मिट्टी के बाद इसमें लेना है आपको 30% गोबर की सड़ी हुई खाद, या आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए, या गोबर की सड़ी हुई खाद है तो गोबर की सड़ी हुई खाद लीजिए, उसमें भी 30%। या इसके बाद में आप इसमें मिलाइए जो मैं बता रहा हूं 15-20% धान की भूसी। अगर धान की भूसी आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर रेत, जो बालू मिट्टी होती है, बालू मिट्टी रेत या टंकी की जो मिट्टी होती है, जो हम लोग समरसेबल ऊपर टंकी रखी होती है छत के ऊपर, उसमें जो बालू मिट्टी निकलती है उस मिट्टी का भी आप इसमें 10-15, अगर आपके पास रेत वो धान की भूसी नहीं है तो आप उसकी जगह रेत मिला सकते हैं 10-15%। इसके बाद आपको इसमें मिलाना है नीम की खली। लगभग इतने बड़े गमले के लिए आप जितना बड़ा मेरा थर्मोकोल का हाफ कटा हुआ डब्बा है इसके लिए आप 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट नीम की खली मिला दीजिए और 1 मुट्ठी आपको गेरू, जरूर लाल वाला जो गेरू है इसको 1 मुट्ठी मिलाना है, और मार्बल पाउडर 1 मुट्ठी आपको इतने बड़े के लिए मार्बल पाउडर आपको मिलाना है। इतना मिक्स करके आप इस मिट्टी को तैयार करिए, इसके बाद इसमें भर दीजिए। आप इसके बाद क्या करना है, देखिए मिट्टी तो हमने तैयार कर ली, मिट्टी तैयार करने के लिए और ट्राइकोडर्मा बिल्कुल मत भूल जाइएगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनिक फंगस है जो किसी भी कीमत में मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती, इसलिए ट्राइकोडर्मा को आप जरूर मिट्टी में मिक्स करें। इसके बाद में आप क्या करें, देखिए जब मिट्टी बन गई और मिट्टी बनने के बाद लोग क्या करते हैं, अभी यहीं पर दे देंगे पानी, तो हम अभी यहाँ पर पानी नहीं दे रहे हैं। देखिए हम पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम एक लेयर कोकोपीट की। ये देखिए ये कोकोपीट है, तो कोकोपीट की इसके मिट्टी को बनाने के बाद इसके ऊपर ऊपर से एक लेयर बिछाएंगे कोकोपीट की। ये तरीका अगर आप जान लेंगे आखिरी दम तक, और इसके बाद बीज को किस तरह से बोना, एक लेयर बहुत हल्की सी पतली सी एक लेयर मिट्टी के ऊपर लगाएंगे, आप देखते जाइए। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर हमारी जो धनिया है उसका बीज बहुत समय में अंकुरित होता है क्योंकि उसको मॉइस्चर बराबर नहीं मिल पाता, और ये तरीका आप 12 महीने अगर इस्तेमाल करेंगे ना धनिया का उगाने का तो आपके घर में कभी भी बाजार से आपको धनिया खरीद कर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से पूरी मिट्टी को आपको कवर कर देना हल्की हल्की लेयर, और ये केवल कोकोपीट मैं इसको धनिया को उगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी भी बीज को उगाने के लिए अगर आप कोकोपीट का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा, मिट्टी में कभी भी ना मिलाए। मैं अक्सर मना करता हूँ कोकोपीट को मिट्टी के अंदर ना मिलाए। अब इसके बाद जब यह धनिया बीज लग गई तो इसको अच्छी तरह से ऐसे हाथ से आप इसको दबा दीजिए। देखिए इस कोकोपीट को अच्छी तरह से जहाँ कम है वहाँ आप और लेकर डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से कोकोपीट का मैंने
दबा दिया, जहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है वहाँ पर हल्का सा। अब ये एक बेड बन गया, कोकोपीट का एक बेड बन गया, मिट्टी हमारी दिखाई नहीं दे रही। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद में हम इसमें देंगे पानी। देखिए कोकोपीट अभी अभी हमने धनिया को नहीं लगाया। अब इसके बाद हल्के हाथों से, आपके पास इस तरह से फुहारा हो तो आप इस फुहारे से आप इसको पानी दे दीजिए, जहां से कोकोपीट हट जाएगा तो फिर अच्छी तरह से पानी दे दीजिए इसको। देखिए अभी खूब अच्छी तरह से नमी कर दीजिए, जिससे नीचे तक का जो हमारी मिट्टी है वो गीली हो जाए। खूब अच्छी तरह से पानी दे देना पूरी मिट्टी। और देखिएगा आप ये तरीका लगाकर, और ये तरीका आप बारहों महीने करिए, आपके घर में कभी भी धनिया की कमी नहीं होगी। खूब अच्छी तरह से मिट्टी गीली हो गई। अब इसके बाद में हमको लेना है धनिया। अब धनिया लेने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब जैसे एक बार हमने धनिया लगा लिया, तो अगर आप किचन में जो धनिया रखा है उसको धनिया को लगाएंगे तो थोड़े दिन में धनिया फूल जाती है। देखिए मेरी 2 महीने से 2.5 महीने धनिया चल रही है, और उधर से देखिए मैं निकाल निकाल के काटता जाता हूँ और काट कर अपनी किचन में इस्तेमाल करता रहता हूँ, और इधर से फिर ये नई 3 बार धनिया कट चुकी है। ये धनिया यहाँ से 3 बार कट चुकी है, और जितनी बार धनिया काट लें तो इसके अंदर लिक्विड खाद जरूर देते रहें। उसके विषय में आप कमेंट करेंगे कि लिक्विड खाद कौन सी देनी है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बोलेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा कि धनिया काटने के बाद, क्योंकि इसको हमको ग्रीन पत्ते खाने होते हैं, ग्रीन पत्ते के लिए हमें कौन सी खाद देनी है वो जानकारी आपको दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया किचन से जो धनिया होता है उसको ना लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी फूल जाता है। एक बार हार्वेस्टिंग करेंगे वो धनिया फूल जाएगा, तो बाजार से अच्छी किस्म की या बहुत अच्छी क्वालिटी की जो लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर में भी, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी धनिया उग जाता है, तो वो धनिया आप लें, 12 महीने वो धनिया काम करता है। और ये देखिए मैं इस धनिया को तोड़ नहीं रहा हूँ। कुछ लोग इस धनिया को क्या करते हैं कि इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं, तो 2 टुकड़े करने में कई बार गलती क्या हो जाती है कि धनिया ज़्यादा पिस जाता है तो उनका जो अंकुरण है वो टूट जाता है, तो उसके कारण से वो धनिया निकलता ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि राजीव जी हमने तो 2 टुकड़े करके धनिया बोया था, हमारा धनिया निकला ही नहीं, क्योंकि आपने उसको ज़्यादा रगड़ दिया। तो अब मैं ये कहूँगा कि आप इसको तोड़िए ही नहीं, आप ऐसे ही धनिया को लगा दीजिए। देखिए मैं ऐसे ही बगैर साबुत धनिया को इस तरह से दूर दूर बिखरा दूंगा इसी में, और फिर दिखाऊंगा आपको कि इस ये धनिया कितने दिन के अंदर आपका मेरा निकल आया। देखिए इस तरह से कोकोपीट के ऊपर मैं धनिया को बिछा देता हूँ। देखिए खूब अच्छी तरह मैंने धनिया को, और धनिया इस जितना दूर दूर बोएंगे ना उतना अच्छा ज़्यादा ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और ज़्यादा अच्छा निकलेगा। ये देखिए मैंने इतना सारा एक मुट्ठी धनिया इतने बड़े उसमें बिखेर दिया। अब इसके बाद में फिर इसके ऊपर एक लेयर कोकोपीट के लगाऊंगा। देखिए फिर इसके ऊपर एक लेयर केवल धनिया को बंद करने के लिए, कोकोपीट की एक इतनी हल्की सी लेयर लगानी है कि हमारा धनिया का बीज केवल बंद हो जाए, दिखना बंद हो जाए। तो इस तरह से आप करिए, देखिए और देखिएगा कि आपका धनिया 4-5 दिन के अंदर, जो लोग धनिया को पोटली में पहले भिगोते हैं रात भर पानी में भिगोएंगे, फिर इसको पोटली में बांध कर रखते हैं, ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं है आपको। केवल आप ये टेक्निक अपनाइए और फिर देखिए धनिया कितनी जल्दी। मैं इसी तरह से धनिया को अपने लगभग उगाता रहता हूँ, और नई नई चीजें आप लोगों के सामने, नए नए वीडियो लेकर हर तरह के फल फूल सब्जियां सब विषय में आपको जानकारी देता रहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पर भी बात करता हूँ, जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हैं उनको जवाब भी देता हूँ। तो देखिए इस तरह से पूरा धनिया बंद हो गया। ये देखिए ये तरीका आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, बताएगा क्या, पता ही नहीं धनिया कैसे जल्दी से जल्दी उगाया जाए, क्योंकि किसी को प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं। मैं अपने छत के ऊपर नए नए तरीके प्रयोग करता रहता हूँ। और इसके बाद में देखिए ये जब इस तरह से लगा दिया ऊपर से कोकोपीट, तो इसको अच्छी तरह से इसको भी ऐसे ऐसे थपथपा देना, इसको बंद कर देना, इसको दबा देना धनिया को ऐसे बिल्कुल से, क्योंकि एक भी धनिया हमारा दिखाई ना देने तो चुहिया दाना चुग जाएगी। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो धनिया बोया था बहुत अच्छा और धनिया मेरा निकला ही नहीं। देखिए इसके बाद इसको फिर ऊपर से पानी दे देना, हल्के हाथों से फिर से ऊपर से पानी दे देना। देखिए कोकोपीट हिलना नहीं चाहिए, दबा दिया, और कहीं अगर धनिया आपका निकल आता है, पास से दिखा दीजिए, अगर कहीं धनिया आपका निकल आएगा तो उसको दोबारा फिर वहां पर कोकोपीट आप लगा दीजिए। और ये तरीका आप देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से आपका घना धनिया निकल कर बाहर हो जाएगा।
तो यह जानकारी अगर आपको धनिया बोने की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।